हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीन और स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कट ऑफ इनकी क्या रहती है, या और ये जो स्टेट हैं इनकी जो फीस होती है वो तो एकदम मीडियम और मिनिमम होती ही है बाकी स्टेट के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो नीट ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग 2023 की है उसके लिए शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। ऑल इंडिया कोटे का काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होगी उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देख लिया है, वेल एंड गुड, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वीडियो देख ले और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आराम से अपना सेट करके रख लो ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। वैसे हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना और वीडियो को लाइक कर दिया करो जैसे ही देखना स्टार्ट करो। लाइक बहुत कम करते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर अब हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे आपके सारे आंसर्स देने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये कौन से तीन स्टेट होने वाले हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला स्टेट है कर्नाटका। तो कर्नाटका के स्टेट के बारे में मैं आपको जो बता रहा था, कि केरला के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, डेट एक्सटेंड भी हुई, उसके बारे में भी मैंने सारी अपडेट आपको दी। तो आज बात करते हैं कर्नाटका की। तो यहाँ के भी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, केरला और कर्नाटका दोनों के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, कट ऑफ भी कम रहती है और यहाँ पर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज से MBBS कर सकते हो बाकी स्टेट से कम फीस के अंदर। तो ये लो फीस स्टेट है, जो मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ इनकी कम रहती है बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन या फिर एंट्री कब से होती है यहां की, रजिस्ट्रेशन 14th ऑफ जुलाई से स्टार्टेड है और 21st ऑफ जुलाई 2023 तक होंगे। तो 14 जुलाई को आप 6 बजे के बाद से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और 21st ऑफ जुलाई को लास्ट जो डेट रहेगी यहां पर रजिस्ट्रेशन की वो 11:59 PM से पहले पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन करने के साथ आप जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आप 22nd जुलाई तक आप यहाँ पर पे कर सकते हो। तो 21st जुलाई अगर आपको नहीं हो पाता है तो 22nd जुलाई तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। बाकी चीज़ें क्या नोटिस है उसके बारे में मैं आपको आगे नोटिस में बता दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। बाकी बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको जाके सेलेक्ट कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, मैंने नोट कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इसकी होने वाली है setonline.karnataka.government.in, या फिर अगर government.in नहीं लगाते हो तो KEA आप लगा सकते हो, अगर ये भी नहीं लगा सकते हो तो आप karnataka.neet2023 ये अप्लाई करोगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, और जैसे डिटेल आएगी आप यहाँ पर अपना फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दूसरा जो स्टेट है वो होने वाला है गुजरात स्टेट। तो गुजरात स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप करोगे, जैसे कि meadm.gujarat.org.ug पे आप जैसे भी क्लिक करोगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर दिख भी रही है यहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर। तो उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो और रीड करने के साथ साथ सारी चीज़ों को आप समझ भी सकते हो। तो इस तरीके से आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब से ही आप इसको चेक करोगे तो राइट हैंड साइड के अंदर 2023 के बारे में लिस्ट ऑफ MBBS कॉलेज, लिस्ट ऑफ डेंटल, लिस्ट ऑफ आयुर्वेद और लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आपको जो जो चीज़ें समझनी है, अच्छे से उनके बारे में जानना है, तो इनके आप ऊपर आप क्लिक करके समझ सकते हो। और इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारी चीज़ें आपको जो जो समझनी है MBBS, BDS, BMS, BHMS सबके बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं। तो उसको अगर आप इस लेफ्ट साइड में जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन आयुर्वेद MBBS BDS इनके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस पोर्टल के ऊपर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो अगर आप यहाँ पर गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो परचेज करने पड़ेंगे वो है पिन, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा नीचे लिखा हुआ है, बाकी जो है लिस्ट दी हुई है नीचे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको फिल करना है क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। तो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो जो ग्रीन में आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे।
और रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया हुआ होगा तो जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो ये नीचे वाली चीजें लॉगिन जो यूजर आईडी है पासवर्ड और 14 डिजिट का जो पिन है वो डाल के आप इसको ओपन कर सकते हो तो आपकी चीजें आगे फर्दर होती रहेंगी। तो अगर उसके ऊपर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आपके नंबर पिन वगैरह और जो नेम वगैरह है रोल नंबर वगैरह वो सारी चीजें आपको इजीली चीजें जो इजी चीजें होती हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपने नीट का फॉर्म फिल किया था वही चीजें सारी यहाँ पर होने वाली हैं। उसी तरीके से चीजें अपलोड होंगी और वहां पर आपको सबमिट करना होगा। जैसे ये चीजें देख रही हैं सामने तो जो भी चीजें होती हैं एकदम सिंपल होती हैं बट आपको पता होनी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने आपको बताया गुजरात के बारे में कि कुछ इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको पिन परचेज करने के लिए ये गुजरात जो है क्लोज स्टेट है यानी कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर सकते। बाकी जो बात करते हैं 15 जुलाई से 24 जुलाई तक ऑनलाइन पिन आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया। इसकी फीस जो है 1000 रुपये रहेगी। और अगर बात करें आयुर्वेद कोर्सेज के लिए जो भी चीजें हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह मैंने आपको बताई। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब स्टेट की। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो जी हाँ पंजाब स्टेट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तभी तो कर पाओगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bfuhs.ac.in के ऊपर जैसे ही जाओगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा जो कि पंजाब के अंदर बाबा फरीदाबाद जो यूनिवर्सिटी होती है हेल्थ साइंस के नाम से यहाँ पर ये चीज़ें ओपन होंगी और कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके सामने हैं तो इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बारीकी से यहाँ पर दी हुई है तो आपको जो चीज़ें चाहिए उसको आप कर सकते हो। जैसे ही आपको देखो ये रेड कलर में घूमता हुआ दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS BDS एडमिशन अंडर नीट UG 2023 तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आगे चीजें ओपन होगी। बट फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है तो इस तरीके से आप इसको सर्च बॉक्स में करके सर्च करोगे तो इस तरीके की चीजें आपके सामने ओपन होगी। तो जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे MBBS वाले सेक्टर पे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें ओपन हो जाएंगी। तो लॉगिन पासवर्ड अगर डालोगे आपका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से ओपन होंगी वरना ग्रीन में आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन तो उस पर क्लिक करोगे। अभी मैं बताऊंगा अभी आपको किस तरीके से करना है। तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह ये तो अपलोड करना ही पड़ते हैं क्योंकि यही तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको अपलोड करनी पड़ती हैं बाकी कुछ रॉकेट साइंस तो होती नहीं है। तो जैसे ही आप ये आपको ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन उसके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी जो आपको फिल करनी है। तो देखो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके सामने ओपन होंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, सेकंड स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको प्रिंट निकाल लेना होगा क्योंकि बाकी पता कैसे रहेगा कि आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो उसके लिए प्रिंट निकाल के प्रोसीड नेक्स्ट जो आपको नीचे ग्रीन कलर चेंज होते हुए दिख रहा है उसके ऊपर आप करोगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ मैंने पढ़ ली है सारी चीज़ें अब मुझे आगे जाना है। तो प्रोसीड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप फर्दर जो चीज़ें होंगी जो आपका नेम वगैरह रोल नंबर वगैरह है वो चीज़ें मांगेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। तो आप जितनी भी चीज़ें आपके रिक्वायर्ड हैं बेसिक चीज़ें वहाँ पर आप इस पर फिल करके अपलोड कर सकते हो। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन बताई आपको कि 3 स्टेट के रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो गए हैं। इनकी कट ऑफ बहुत से बच्चे बोलते हो कि आप थंबनेल में कुछ अलग लिखते हो बट बताते नहीं हो बट ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपको हर एक चीज़ जो थंबनेल में है वो आपको देखने को मिलेगी इवन उनसे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो वीडियो कंप्लीट देखा करो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि इनकी कट ऑफ बाकी स्टेट से कम रहती है और फीस भी इनकी कम रहती है बाकी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं उनकी हाई रहती है। तो वो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ तब तक के